ये तस्वीरें शहादत की हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की उस मक्कारी की हैं, जिन्हें देख भारत गुस्से में है। गुस्से की वजह भी साफ है कि लाख समझाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन इन हरकतों पर अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का जवाब आया है। जवाब भी ऐसा जिस पर पूछे गए सवाल को सुनते ही पहले तो भुट्टो के पसीने छूट गए। मक्कारी की हद तो तब जब बिलावल जिस वक्त ये जवाब दे रहे थे तब वो भारत की ही सरजमी पर मौजूद थे। सवाल और जवाब का पूरा किस्सा बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शहादत की तस्वीरें उन जवानों की हैं जो राजौरी जिले के कांडी इलाके के घने जंगलों में आतंकवादियों की तरफ से विस्फोट में शहीद हो गए। अपने सैनिकों की शहादत को अंतिम सलामी देने के लिए मोदी ने खुद राजनाथ सिंह को भेजा। लेकिन इन तस्वीरों के बीच अब बिलावल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं मन में चोर हो तो शिकन सबसे पहले माथे पर नजर आती है, और वही बिलावल के साथ भी हुआ। आपको बता दें कि जिस वक्त बिलावल ये इंटरव्यू दे रहे थे ठीक उसी समय सेना के जवानों की शहादत से क्रोधित जयशंकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री को भयानक थो रहे थे, जिसे भारत के साथ साथ पूरा पाकिस्तान सुन रहा था। जयशंकर ने बिलावल को आतंकी देश का प्रवक्ता बताया। तो बिलावल की प्रवक्ता ही भी देखिए, जहां सवाल सुनते ही बिलावल सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो गए। हालांकि कई लोग कहेंगे कि मई का महीना है तो गर्मी लग रही होगी, तो ये देखिए वो पत्रकार जो बिलावल के सामने बैठकर उनसे सवाल कर रहा था, लेकिन पत्रकार के चेहरे और बिलावल के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर है। खैर, ये तो बात हुई भारत से डर की, लेकिन अब सवाल और उसका जवाब जानिए, जहां आपको बताना जरूरी है कि बीबीसी पत्रकार के सवाल और बिलावल के जवाब को हम हूबहू बता रहे हैं, जहां पत्रकार भी भारतीय सैनिकों की शहादत को मौत कहता हुआ नजर आता है। अब सवाल सुनिए। पत्रकार ने बिलावल भुट्टो से पूछा, पुंछ में जो अटैक हुआ था उसमें 5 इंडियन जवान थे, उनकी मौत हुई। इशारा पाकिस्तान की तरफ यहां से लगाया गया कि इसमें मिलिट्री ग्रुप्स का हाथ है। इसके पहले भी आप जानते हैं कि भारत की तरफ से इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो चाहे मुंबई हो या पुलवामा हो, एक के बाद एक अटैक्स जो हुए हैं उनमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। यहाँ पर एक बात कई लोग पूछ रहे हैं कि जब कभी उम्मीद की किरण या फिर इस तरह के वाक्य होते हैं, इस पर क्या कमेंट होगा आपका? सवाल सुनते ही पसीने पसीने हुए बिलावल भुट्टो कहते हैं, जहाँ तक पुंछ की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑफिशियल या रियासत या हुकूमत की तरफ से कोई इशारा किया गया है या इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान हिंसा की निंदा करता है, इसकी मजम्मत करता है। जो दहशतगर्दी के वाक्य हुए हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी के वाक्य हुए हैं। मैं खुद आतंकवाद का शिकार रहा हूँ, मैं इस दर्द को निजी तौर पर जानता हूँ। इस रीज़न में अगर आप सारे इसको के मेंबर्स को देखें तो उन सारे इसको देशों में से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, और हम इसको एक संगीन मुद्दा समझते हैं जिसका हल हम निकालना चाहते हैं। अगर हम वाकई चाहते हैं कि दहशतगर्दी का हल निकाला जाए तो उसमें हमें जो रिटॉरिक है उसको सेपरेट करना पड़ेगा। भारत की जो चिंताएं हैं दहशतगर्दी के हवाले से, हम भी चाहेंगे उनका हल निकले, और पाकिस्तान की भी अपनी चिंताएं हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि जिस आतंकी हमले पर भारत सरकार की ओर से आधिकारिक बयान ना होने का हवाला भुट्टो दे रहे हैं, क्या वो ये बता सकते हैं कि जिन हमलों पर भारत ने आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई उस पर पाकिस्तान ने क्या किया? खैर, बिलावल के छूटते पसीने ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत के तेवरों से अब पाकिस्तान बुरी तरह डरा हुआ है।